वीर जी आप इत्थे से हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि क्योंकि 2022 में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, यहाँ इस विधानसभा में, सत्राणा विधानसभा में क्या माहौल बन रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग कि किस पार्टी के सपोर्ट में? सपोर्ट तो ये काम करगी कांग्रेस, फिर तो कांग्रेस का सोच रहे हैं, नहीं आम का सोच रहे हैं ज़्यादा लोग। तो काम जो है, क्योंकि अभी आपके विधायक जो हैं निर्मल सिंह कांग्रेस के हैं, उन्होंने काम कराया कुछ? कुछ नहीं कराया, ये आपके सामने है, देख लो। अच्छा। गांव का क्या मतलब आपके हलके में, खासकर आपके यहाँ पर बात करें तो क्या दिक्कत है सत्राणा में, जो जो आप चाहते हैं कि साहब ये तो कम से कम होनी चाहिए थी, नहीं? नालियों का बहुत बुरा हाल है यहाँ, ये आप देख ही रहे हैं, देख लो आपके सामने है सारा। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगती है, कौन सी पार्टी करवा सकती है? देखो ये उम्मीद तो इन पर ही थी, कांग्रेस पर किया ही नहीं कुछ, साढ़े पाँच चार साल यही कुछ नहीं है जी। अब देखो लोगों की च्वाइस तो यही है भी नई पार्टी को अब चांस दिया जाए। नहीं, कौन सी? आपको, आम आदमी पार्टी को, उससे उम्मीद लगती है? उम्मीद तो लगती है जी। अच्छा। जी उन्होंने कोई बढ़िया फेस दे दिया सीएम का ही, तो फिर तो चांस है जी। लोगों की आम विचार है भी इस बार बदल दो। अच्छा। आम को बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप भी बदलाव चाहते हैं साहब? कह दिया जो ठीक है, सही कह दिया उसने। ये कह रहे हैं कि साहब बदलाव चाहती है जनता, आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहिए बदलाव? ये भी कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, कांग्रेस ने क्योंकि कुछ किया नहीं, क्या ऐसा है या कांग्रेस के विधायक ने कुछ करवाया यहाँ पर? अब ये लोग इतना जो कुछ कांग्रेस ने जी सामने दिख रहा है, कौन सा कुछ हो रही है। निर्मल सिंह आते हैं गाँव में कभी? नहीं आते, नहीं आते, कभी भी नहीं पूछा ही नहीं कभी, गाँव है कि नहीं है, यहाँ जाकर कहते नहीं गरीब की कोई सुनता ही नहीं, नहीं सुनवाई है, नहीं गरीब की कोई नहीं सुनता। नेता और जनता के बीच में ज्यादा गैप हो गया है। हाँ, कोई नहीं सुनता है गरीब की भाई। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। 2022 का चुनाव होगा आपके यहाँ पर सत्राणा हलके में, और खासकर यहाँ सत्राणा में क्या माहौल बन रहा है? माहौल देखो जी, माहौल पहला तो कांग्रेस चांद थे, अभी सिद्धू इस्तीफा देने के बाद अभी कुछ माहौल ख़राब हो चुका है। इस्तीफा नामंजूर हो गया? हाँ नामंजूर हो गया है, अभी कुछ नहीं कह सकते, आम आदमी पार्टी हाथ है हम तो। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी में आपको क्या उम्मीद लगती है कि साहब आम आदमी पार्टी आएगी तो ये काम करा पाएगी, बाकी मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, मौजूदा कुछ नहीं कराया, निर्मल सिंह MLA मौजूदा किसी ने काम कराया जी। आते हैं गाँव में निर्मल सिंह? नहीं, कभी नहीं आए गाँव में। हाँ जी। तो अब आगे आम आदमी पार्टी से आप ये? हाँ जी, आम आदमी पार्टी। बाकी जो पार्टी हैं, अकाली दल है, अकाली दल का गठबंधन है BSP के साथ, या फिर BJP है, BJP भी ये कह रही है कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे, तो उनके बारे में सोच रहे हैं क्या गाँव वाले? नहीं, अभी तो नहीं, कोई विस्तार नहीं आई इस बारे। आपका मन क्या कहता है साहब, कौन सी पार्टी? यही पार्टी है हमारी भी। कौन सी? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी? हाँ जी। कैसे उम्मीद लग रही है आपको? अच्छे अच्छे काम कर रहा है उसमें भी, दिल्ली में भी उसके रिलेशन बढ़िया है। केजरीवाल जो कह रहा है अक्सर आप दिल्ली वाले काम में यहाँ कर दूंगा, उस पर विश्वास जम रहा है आपका? हाँ जी, विश्वास है उस पर। विश्वास दो पार्टियाँ आ चुकी ने, किसी ने विकास नहीं किया, तीजी पार्टी की फिर से किरण जाग रही है, भी शायद चांस हो सके भी एक बार। बदलाव चाहते हैं, एक बार मौका देते हैं भी केजरीवाल भी आ जाए हमारे पंजाब में। हाँ जी, आप किसको मौका देंगे? ये कह रहे हैं कि एक बार केजरीवाल भी पंजाब में आ जाए, कांग्रेस BJP देख लिया सब, अकाली देख लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया मतलब? सरकार बदल के बनती रहे तो कोई ना कोई स्वभाव होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं होना चाहिए, तो बदल के अब की बार किसको बनाएंगे बताएं? देखो पार्टी खड़ेगी फिर देखेंगे किधर से जो पार्टी। तो ये बताओ मेरे को, अकाली का गठबंधन है BSP के साथ, BJP अलग पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी है आम आदमी का, ठीक है? उम्मीद है? हाँ जी। कैसे उम्मीद है, क्या करेगा? दुनिया नवा सरकार बनाना चाहती है, नवा सरकार, नवी सरकार। हाँ जी, ठीक। आप क्या चाहते हैं सर? आम आदमी पार्टी। क्यों है? क्योंकि बढ़िया विकास है, पहला भी उन्हें माड़ा मोटा विकास कराया है, हूँ भी करेगी। हाँ, विश्वास है। हाँ, क्या नाम है आप? अजय। अभी जो विधायक है MLA है, उसने कोई यहाँ पर काम करवाया क्या? कोई काम नहीं कराया। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि 10 में से कितने नंबर दोगे विधायक?
क्या पता भाई हमको ये तो बात का पता है। अभी कोई काम नहीं कराया आपके यहाँ? कोई काम नहीं कराया आज तक था। आते हैं? ना कोई नहीं आते, ना कोई नहीं आते आज तक था। तो आगे किसको बनाएंगे? किसे का जी करेगा उसे पावेंगे। फिर भी आपको ये लगता है कि साहब ये पार्टी जो है ये काम करा सकती है, या आप कह रहे हो कि गांव में काम नहीं हुआ अब तक, वो उससे उम्मीद है, कोई पार्टी ऐसी लगती है आप? ना नहीं लगते, नहीं लगते। तो फिर वोट किसको डाले? किस झाड़ू वाले ने डालेंगे? उसको क्यों, फिर क्या वो है? क्या है भी लगता है चांस कोई सुधार होएगा? किसको, झाड़ू वाले? हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसे लगता है कि किस तरह का विकास वो कर सकता है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा था दिल्ली की तरह यहाँ करेंगे, आपको विश्वास है? विश्वास तो किसी सरकार पे भी नहीं है, कह जाते हैं ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं बनता है ऐसा। ये जो MLA हैं अभी कांग्रेस के, ये कुछ काम करा रहे हैं? कुछ तो करा रहे हैं, उन सड़कों का काम तो हो रहा है। हाँ, सड़कों बन रही हैं, पक्की सड़कों बन रही हैं। हाँ जी, बन रही हैं। हाँ, तो काम हो रहा है तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, जो काम कर रहा है उसको नहीं देखेंगे? पर क्या बदलाव करेंगे? देख लेंगे। हाँ, आप किसको देंगे वोट? अभी तक नहीं सोचा। कब सोचेंगे? जब इलेक्शन आएंगे सोच लेंगे। चुनाव तो आ जाएगा फिर नज़दीक, कुछ तो मन मन आया होगा अक्साब इस पार्टी को दे देते। अभी कुछ नहीं सोचा। नहीं, वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वोट किसको देंगे आप ये बताएं? आम आदमी को। क्यों? हमको अच्छा लगे, अभी वो बिजली माफ करेगा सारा कुछ। करेगा? हाँ। आपको विश्वास? हाँ सर। जो विधायक हैं आपके यहाँ पर निर्मल सिंह कांग्रेस के, उन विधायक को यदि हम कहें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? उसने कुछ किया नहीं, उसको क्या नंबर दें सर? 0 नंबर? हाँ सर। कोई नंबर नहीं? उसने किया नहीं। आते हैं गांव में? नहीं आते, वाते करके चले जाते हैं। ये जो बाकी पार्टियाँ हैं, अकाली BSP है या फिर BJP है, उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? कुछ नहीं करके गए अब तक। कुछ नहीं? नहीं सर। तो फिर आम आदमी पार्टी जो में एत की उसको वोट डालेंगे, नवी पार्टी देखेंगे। बदलाव चाहते हैं आप ये कह रहे हम? बदलाव चाहते हैं ये, और इनका ये कहना है कि साहब बदलाव यदि होता है, और इनको आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, जिस तरीके से कुछ और लोगों ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की तर्ज पर विकास करेगी, इसीलिए वो उनको वोट देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है साहब, क्या माहौल बन रहा है? सर बात ये है भी जो भी यहाँ एक बार जीत के जाता है वो यही गांव में आता ही नहीं। 3 बारी निर्मल सिंह जीत चुका है, वो इस गांव में आए ही नहीं मुड़के। बोलता क्या वजह है कि नहीं आते हैं विधायक, क्यों नहीं आते आखिर? क्या आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि साहब आप गांव में आइए, दिक्कत है ये वो दूर कीजिए? वो पता क्या बोलते हैं, आप हमको बुलाएं हम फिर आएंगे। अबे हम किस लिए बुलाएंगे भाई, ये बताओ, हम शादी करेंगे या और किसी चीज़ में बुलाएंगे, मरकत में बुलाएंगे? कहना आप बुलाओगे फिर मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ से जीत के चला गया, उसको ये पता नहीं हैगा भाई मेरा गांव, मेरा एरिया, मेरा इलाका है, मैं इसका कोई सुधार करूं, कोई मकसद नहीं है चीज़ का। तो आप ये कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए वोट लेते हैं और बनकर चले जाते हैं विधायक? हाँ जी हाँ, यहाँ बस वोट लिया, जीता और वापस नहीं आए। 17 हल्का है ये, कोई भी यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देखने योग होए, ना बच्चों का स्कूल है, ना लड़कियों का कोई कॉलेज है, ना कोई बच्चों की कोई मतलब कुछ भी नहीं है गाइस। हॉस्पिटल भी नहीं है, इतना बड़ा गांव है, एक डिस्पेंसरी नहीं है इस गांव में, इस लेकिन जिला का सबसे बड़ा गांव है, तो क्या बुनियाद रखेंगे हम इसकी? आगे किससे ये उम्मीद लगती है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके बीच हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, अकाली दल हो, BSP हो, ये तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, आपको किससे उम्मीद लगती है कि साहब ये पार्टी यदि आ जाए या इस पार्टी का नुमाइंदा यहां से जीत जाए तो सत्राणा की कम से कम कायापलट हो सकती है, आप जो काम कह रहे हैं वो काम हो सकता है? दरअसल बात ऐसी है ना, यहाँ 3-4 पार्टी हैं, आज तक सब लोगों ने 3-4 पार्टियों को अच्छी तरह से देख लिया है,
वे कोई काम करने के लायक नहीं है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि नई पार्टी यहाँ पैदा करें तब ये काम करेंगे। जो कोई अच्छा कोई नुमाइंदा जीत भी जाता है उसकी टांगे बाएँ खींचते हैं, उसको काम ही नहीं करने देते। कोई अच्छा पुलिस वाला आ गया, कोई इंस्पेक्टर आ गया, अच्छा काम करने वाला कोई नुमाइंदा जीत गया, उसको काम करने नहीं देते दूसरे। आपकी क्या मन की बात है कि आप क्या चाहते हैं कि साहब तो इस पार्टी का विधायक बनना चाहिए आपके बार? हम तो ये सोचते हैं भाई नई पार्टी आए। नई कौन सी? आम आदमी पार्टी ये नहीं है, हैं? बीजेपी अब की बार क्योंकि अकाली से अलग हो गई है, 117 सीट पर खुद लड़ेगी, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि वो भी ये कहेंगे कि साहब हम भी अकेले लड़ रहे हैं तो हम भी नए हैं। देखो जी, बीजेपी अगर कोई काम करेगी तो अवश्य आएगी, समझिए ना। अगर ये काम करने नहीं देते ना, अगर कोई नुमाइंदा बीजेपी का जीत भी गया तो भी ये काम करने नहीं देंगे। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, हमें लीडर अच्छा मिलना चाहिए जो काम करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो हमारी सुने। अब आप आ रहे हो तो आप पूरे गांव में देख लो, घूम के भी। इस एक हल्का सतराना स्टेट है जो, ठीक है जी, एमएलए की सीट है, तो आप हाल देख लीजिए, आप गली गली घूम लीजिए भी, ये तो नर्क से भी बदतर है। क्या ऊपर से ग्रांट नहीं आती या क्या नहीं आता सर? हम तो यही कहते हैं भी अच्छा कोई आए, अच्छी पार्टी आए जो हमारे गरीबों का काम करे, हमारी जो कमी है। अब सरकारी स्कूल है, यहाँ तक कोई बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए नहीं होता है, यानी कि कोई हमारी दुकान में बढ़ जाता है, कोई कहीं में बढ़ जाता है, कोई वाटर कूलर नहीं है। तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं साहब, बाकी पार्टीज़ देख ली हैं, ये कह रहे हैं कि साहब नई पार्टी जो है उससे उम्मीद है, आम आदमी पार्टी की ये कह रहे हैं, आपको किससे उम्मीद है? सर मैं तो, मैंने आपको बोला ना, मुझे पार्टी सभी अच्छी लगती हैं, ठीक है, पर मेरी लास्ट यही बात है कि कोई विधायक अच्छा हो, कोई मुख्यमंत्री अच्छा हो, कोई एमएलए अच्छा हो जो काम करे। हमें ना उसका हाथ पकड़ना पड़े भी आओ आप देखो, वो हमको बोले भी आपका काम कौन सा करना है, वही करेंगे हम उससे राजी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जनता से जो सरोकार रखेगा, बिल्कुल सही बात है कि उसी को जनता को तवज्जो देनी चाहिए। कुछ और जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे हम बात करेंगे। आप यहीं से हैं क्या साहब? ये बताएं कि 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, आपका हल्का सतराना, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो सर कुछ नहीं बन रहा है, अभी कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ पे, फिर में कोई गांव में कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे कोई गली पक्की है, ना ही कोई सीवरेज वगैरह है। बहुत दिक्कत आती है जब बारिश या पानी पड़ता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मौजूदा विधायक ने करवाए नहीं, आपने कहा नहीं? उन्होंने तो कम से कम 4 साल, 450 हो गए, कभी यहाँ अपने हमारे गाँव में कभी गेड़ा ही नहीं लगाया उन्होंने। एक आगे क्या चाहते हैं? बाकी तो देखो, जो कोई आएगा उस हिसाब से, पहले तो हमें अपने हल्के का विकास ही चाहेंगे, वो तो कुछ नहीं। ठीक है, बट आप जब, क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जो यदि कोई काम नहीं करता है नुमाइंदा आपका, तो उसको जनता बदल देती है। अब आपके पास वो मौका होगा, आपके पास तमाम पार्टी होंगी, आपके पास कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, BSP, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी। ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ये काम करवा सके? अभी तो सर कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है किस कौन करेगा कौन नहीं, क्योंकि अभी तो कांग्रेस भी अभी गिरी पड़ी है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो ये तो वक्त जब चुनाव होंगे उसके आने के प्रमाण के बाद ही पता लगेगा कौन सी पार्टी करेगी या नहीं करेगी, अभी तो कुछ नहीं पता। आप क्या चाहते हैं साहब, कौन सी पार्टी का नुमाइंदा बन जाए ताकि ये काम हो जाए? इतने तो वधिया जी पार्टी चाहिए जी, ना तो इतने कांग्रेस ने कुछ करे है, ना अकाली दल ने, ना BJP ने, किसी ने कुछ नहीं कराया है। हूँ तो अगले विचार देखांगे भी केड़ी सरकार चंगी आँगी, उस हिसाब नाल फिर आप इलेक्शन करा। यही जो पार्टियां मैं बता रहा हूँ, यही आपको 2022 में चुनावी मैदान में मिलेंगे, आपको इन्हीं में से तय करना है कि किसको वोट देनी है। तो मैं इन्हीं में से ही पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी पार्टी आपको ये लगता है कि साहब ये ठीक है, इससे हमें उम्मीद है, ये पार्टी काम कर सकती है? हमारे तो विचार यही है भी BJP आ सकती है जी, उसी काम कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। BJP अब की बार क्योंकि अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हाँ, आप दे दम पर।
बीजेपी, आपको क्या लगता है बीजेपी का कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि स्टेट में तो बीजेपी अकाली के साथ गठबंधन में सरकार उनकी रही थी, ठीक है, पर स्टेट में कोई ऐसा पहले काम किया हो जब अकाली बीजेपी की सरकार थी, या फिर सेंटर का कोई ऐसा काम पसंद है आपको कि आप चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा? बीजेपी तो इस करके होनी चाहिए, पिंड का विकास होना चाहिए जी, तो पिंड के विकास करके असं कह रहे हैं, और आप वालों तो कह नहीं रहे, सानता जो कुछ मिलना सी वही मिल गया जी, अच्छ तो अपना विकास पिंड का विकास वास्ते चाहते हैं, आ देख लो अपने पिंड का हाल देख लो किए रहे। सरपंचा नहीं रखा रखी हुई जाओगे ना, आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा इस टाइम में। तो बीजेपी से आपको उम्मीद है कि बीजेपी का? बीजेपी से उम्मीद है, बस यही पार्टी है जो हमारे लिए अच्छी हो साबित हो सकती है, और पार्टी कोई नहीं है ना। हमारे कांग्रेस को भी देख लिया हमने, अकाली को भी देख लिया, और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया हमने, बस अब तो हम यही चाहते हैं कोई हिंदू वाली पार्टी आई और भाई यही काम करे, बस अच्छी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इनसे बात हो गई है, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। साहब, चुनाव आ जाएगा 2022 में, क्या माहौल बन रहा है यहाँ सतराणा में? और तो कोई माहौल नहीं बने किसी का भी। किस पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है? बस आम, कोई आम पार्टी में हैगा, कोई कांग्रेस में ला ले, कोई अपना इसमें अकाली में। ज़्यादा कहाँ है, मतलब सतराणा से आपको क्या उम्मीद लगती है कि साहब ये पार्टी जीतेगी अब की बार? अत की पार तो जे लुम्मी तो खलोगी बड़ा है, तो वो जीतेगी, हाँ और कोई नहीं जीत सकता। आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी का एमएलए बने यहाँ से? यहाँ से बननी चाहिए वैसे लुम्बी। हाँ जी, ठीक है, चलिए कुछ और। आप यहीं से साहब ये बताएं कि चुनाव आ गया, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? ठीक है। किस पार्टी की तरफ? अभी तो कोई, आपका मन क्या कहता है कि साहब इस पार्टी का एमएलए बनना चाहिए आपकी बार? मौजूदा जो विधायक जिस पार्टी से हैं उसी का बन जाए, बदलाव हो जाए, कोई और पार्टी का बने, किस पार्टी का बने? कोई नई पार्टी बननी चाहिए, आम मतलब कौन सी? आम आदमी बनना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों, आम आदमी पार्टी से आपको उम्मीद लगती है? हाँ लगती है। कुछ काम कराएंगे? हाँ करेंगे। क्या काम आपको लगता है कि साहब ये आम आदमी पार्टी आ गई तो ये काम हमारा हो जाएगा? नया होगा, कुछ नया होगा। हाँ, बदलाव चाहते हैं। हाँ ठीक, ये बताएं साहब 2022 में चुनाव होगा विधानसभा का, आप लोग और खासकर जो आपके गांव के लोग हैं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, किस पार्टी की तरफ जा रहा है रुझान, क्या लगता है कि साहब इस पार्टी को यदि बनाएंगे तो यहाँ के कम से कम मसले हल हो? अभी किसी पार्टी के पास नहीं जा रहा है, अभी तो जैसे चन्नी बना है, चन्नी ने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया पूरा, बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ का, जब तक ये मसले सुलझेंगे नहीं किसी पास नहीं आएंगे। बाकी जैसे कल इस्तीफा दे दिया सिद्धू ने, जिस तरीके से कैप्टन साहब मुखर होकर बोल रहे हैं, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है क्या? आम वोटर सोचता है, आप लोग सोचते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है? पता नहीं चल रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब अपना पल्ला चढ़ा के भाग रहे हैं, काम तो करना नहीं है, ये हालात देख लीजिए, ये चक्कर है। ये विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं कराया है यहाँ पर? ये आपके सामने सड़कें टूटे पड़ी हैं, बुरा हाल है। तो आप कहते नहीं जाकर कि साहब काम कराइए, आपको इसीलिए चुना था कि हमारे जो काम है वो आप कर पाए? कोई सुनते ही नहीं जी, एक बार बन गए मुड़ के वापस नहीं आते। हम ये पूछ रहे थे कि चुनाव आने वाले हैं 2022 में, यहाँ सतराणा हलके में और खासकर सतराणा में क्या माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि साहब बदलाव करेंगे, मौजूदा पार्टी को ही दोबारा जिताएंगे, किसको जिताएंगे? कुछ नहीं बदलाव होता है यहाँ पर जी। हाँ, तो फिर किसको वोट डालें? वोट तो किसी को डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। वोट तो डालेंगे आप? वोट डालने का फ़ायदा क्या उसमें? पूछ रहा हूँ कि अगर फ़ायदा क्यों नहीं है आपको, क्या लगता? फ़ायदा नहीं है, क्यों लोगों के उनके मकान लिखे जाते हैं जिनके पैसा होता है, जिसके पास कुछ नहीं उसका कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो मौजूदा जो विधायक हैं निर्मल सिंह, कांग्रेस पार्टी के हैं आपके यहाँ से, वो क्या कभी आप लोगों की जो दिक्कत है उसके बारे में सुनवाई करते हैं? कुछ नहीं सुनवाई करते, जब वोट होते हैं उस टाइम आ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं आता है। क्या दिक्कत है यहाँ पर गाँव में, क्या विशेष आपको ये लगता है कि साहब ये काम होना चाहिए? मकानों के पैसे नहीं मिल रहे, लोग कहते हैं मकानों के पैसे आ गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं आया। ठीक कह रहे हैं? इधर आए थोड़ा बार, क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, मकान वाले पैसे नहीं आते,
आपने कहा है? हाँ जी। तो फिर क्या कहते हैं वो? हमारी कोई सुनता ही नहीं गरीबों की। कोई नहीं सुन रहा? नहीं सुनता हमारे गरीबों की। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो गरीबों की सुनेगी? साहब सब ऐसी है, बात कोई सुनता है कोई नहीं सुनता हमारी बात। पार्टी तो ऐसी लगती होगी आपको कि साहब ये कांग्रेस है तो बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कोई तो ऐसी पार्टी होगी जो आपको लगता है कि साहब ये तो हमारा काम और हमारी सुनवाई कर सकती है? ऐसी कोई पार्टी नहीं लग रही जी, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, जब कुछ होगा तभी है। बोल रहे राशन कार्ड बन रहे, वो भी नहीं बने अभी तक तो। तीन चार बार तो लिख के दे है राशन कार्ड के लिए, कुछ भी नहीं बना। कुछ तो आपने सुना कि तमाम लोगों से हमने बात की, सतराना के तमाम लोगों से बात की और उन्होंने अपनी राय बताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि किस पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से जीते, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे किसी और हलके में, वहाँ पर बताएंगे कि वहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है, वहाँ की जनता का क्या मूड है और वहाँ उस हलके में किस तरह का माहौल है।